अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे और बटाटे का सालन। तो उसके लिए 10 अंडे ले चुके हैं और 5 बटाटे। तो इनको अच्छे से वॉश करके प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे, उससे टाइम भी बचता है और गैस भी। और यहाँ पे मम्मी चावल वॉश कर लेंगे। तो चावल वॉश हो चुके हैं। अभी प्रेशर कुकर में 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल के प्रेशर कुकर बंद कर देंगे 3 सीटी आने तक। और फिर यहाँ जब तक चावल चढ़ा लेते हैं, और इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। और यहाँ बन रही है अंडे की ऑमलेट, तो इसमें चॉप ऑनियन, ग्रीन चिली और चिली फ्लेक्स और सॉल्ट ऐड किए हैं। और ये 3री सीटी आ चुकी है, तो गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे।
तो ये हो गई है ऑमलेट रेडी। अब एग और पोटैटो को पील कर लेंगे, ये बॉईल हो चुके हैं। अब पैन में ऑयल डाल के अंडों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि फिर ऐसे फ्राई करने से अंडों में स्मेल नहीं आती है। और यहाँ चावल भी रेडी हो गए हैं। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे ताकि अंडों को अच्छा सा कलर मिल जाए। और फिर वही ऑयल में थोड़े से खड़े मसाले ऐड करेंगे, 1-2 मिनट भून लेंगे। एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे, इसे भी 1-2 मिनट भून लेंगे। और फिर इसमें डाल देंगे ऑनियन, ये एक ऑनियन है स्लाइस, इसको भी भून लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, और मिर्ची पाउडर, तो थोड़ी देर के बाद इसका लुक कुछ ऐसा हो जाएगा। मसाला भून गया है, थोड़ा और भूनेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर ये जो बॉइल पोटैटो है इसको मैश करके डालेंगे तो ज़्यादा टेस्टी सालन बनता है। मैश करके डालेंगे तो बहुत यम्मी टेस्टी सा सालन तैयार होगा। और दूसरे तरीके का भी सालन होता है जिसमें कट करके डाला जाता है पोटैटो को, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट है, आप लोग भी ट्राई कीजिए। अब इसको मिक्स कर लेंगे।
और फिर इसमें पानी ऐड कर देंगे जितना हमें ज़रूरत हो। और फिर अंडों को कट कर देंगे। इस तरीके से कट करके पकाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारा सालन अच्छे से बॉईल हो चुका है, पक चुका है, तो अब इसमें अंडे ऐड कर देंगे। अंडे ऐड करने के बाद ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, 5 या 10 मिनट ही पकाना है बस। और इसको कोरिएंडर से गार्निश कर देंगे। तो आप बताना आपको कैसा लगा हमारा अंडे और बटाटे का सालन। हमारा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।